ये पति पत्नी विंसेंट और सोफी बुचर खाना चलाते हैं, जो हमेशा मंदी में रहता है, और ऊपर से रोज रोज के वेगन एक्टिविस्टों के हमले। एक दिन ये अपने परिचित बुचर दंपति मार्क और स्टेफनी से मिलने जाते हैं, जो इन्हें अपनी सक्सेस स्टोरी सुना सुनाकर जलाते हैं। लौटते वक्त रास्ते में इन्हें हमलावर वेगन दिखता है, जिसे विंसेंट कार से कुचल डालता है। फिर उस लाश को बुचर खाने में लाकर मीट में बदलकर अगली सुबह अपने ग्राहकों को ईरानियन पोर्क नाम से बेचना शुरू करते हैं, जिसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। अब तो ये रोज एक नए वेगन को मारकर उसका मीट लोगों को बेचने लगते हैं और लाखों की कमाई करते हैं। अब ये फिर से मार्क और स्टेफनी से मिलने जाते हैं और अपनी शोहरत की डींगे मारते हैं। ये अपने साथ सो कॉल्ड ईरानियन पोर्क भी साथ लाते हैं। यहीं इनसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि मीट खाते खाते मार्क के मुंह में पेसमेकर आ जाता है। विंसेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एक छोटी सी कहासुनी से शुरू हुई हाथापाई में विंसेंट मार्क का कान काटकर चबा जाता है। उधर शहर में गायब होते वेगन्स बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। अब एक वेगन ग्रुप को इन पर शक हो जाता है और ये सोफी को पकड़कर हलाल करने ही वाले होते हैं कि विंसेंट अपने कुत्ते के साथ पहुंच जाता है और सबका काम तमाम कर देता है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है दोनों पकड़े जाते हैं, जिसमें उसके